आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच नंबर 14 के बाद पॉइंट्स टेबल पर बड़ा उलट फेर देखने को मिल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी चार टीमें टॉप पर हैं। नंबर 10 सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद की टीम टेबल के आखिरी नंबर पर है, जिसने अपने पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना किया है और कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सकी। नंबर 9 चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके को भी अपने पहले तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 0 पॉइंट्स के साथ टेबल के 9वें नंबर पर है। नंबर 8 मुंबई इंडियंस। मुंबई ने भी अब तक खेले गए अपने पहले तीनों मुकाबलों में हार का सामना किया है और 0 पॉइंट्स के साथ टेबल के 8वें पायदान पर है। नंबर 7 दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और 1 में जीत के साथ 2 पॉइंट हासिल करके टेबल के 7वें नंबर पर है। नंबर 6 आरसीबी। बेंगलोर की टीम टेबल के 6ठे नंबर पर है, जिसने 3 मुकाबले खेलकर 2 में जीत के साथ 4 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 5 लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ की टीम ने भी 3 मुकाबले खेलकर 2 में जीत के साथ 4 पॉइंट हासिल कर रखे हैं और टेबल के 5वें नंबर पर है। नंबर 4 पंजाब किंग्स। पंजाब की टीम टेबल के 4थे पायदान पर है, जिसने 3 मुकाबले खेलकर 2 में जीत के साथ 4 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 3 गुजरात टाइटंस। गुजरात की टीम ने भी अपने पहले दोनों मुकाबलों में शानदार जीत के साथ 4 पॉइंट हासिल कर रखे हैं और टेबल के 3रे पायदान पर है। नंबर 2 राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान की टीम टेबल के 2रे पायदान पर है, इसने 3 मुकाबले खेलकर 2 में जीत के साथ 4 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 1 कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर टेबल को लीड कर रही है, जिसने अब तक 4 मुकाबले खेलकर 3 में जीत के साथ 6 पॉइंट हासिल कर लिए हैं।